ठीक है, और इसका सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ था, इसका एक नंबर सिर्फ गया था, तो जानबूझ के अपने बच्चों को नहीं मिलवाया था, दो महीने एक को मिलवाएंगे, एक का नहीं हुआ और एक नंबर से नहीं हुआ, तो दूसरे को थोड़ा डिप्रेसिव फील होगा, जबकि इंटेलिजेंट ये ज्यादा है, ये इंटेलिजेंट इससे ज्यादा है, सच्चाई हमने पढ़ाया है इसलिए हम जानते हैं, और एक साल नहीं पढ़ाया है, तीन साल पढ़ाया है, तो इसलिए जानते हैं कि इंटेलिजेंट ज्यादा है, टीचरों को ज्यादा चेक करती थी, जब ये पहली बार मेरे पास आई थी तो इसने 9 से 10 क्वेश्चन पूछे थे, और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन उन्होंने बता दिए थे तब इसको लगा था नहीं यार टीचर तो ठीक है। नहीं
हमारा काम है आपको ट्रैक पे रखना, ट्रैक पे स्पीड पर लाना, इसका पागलपन था। आपके अंदर पागलपन है, किसी की औकात नहीं है कि आपको पहले साल में मेडिकल कॉलेज जाने से रोके। मेरी बात समझना, उनसे दूरी बना लो जो 3-4-5 साल के रिपीटर है, वो आपको डिप्रेस करेंगे। हम सच्ची बात बता रहे हैं, हमने इससे भी कहा था, इस मतलब बार बार इससे बोलते थे तुम्हारा पहला साल है, पहले साल में सिलेक्शन होगा, पहले साल में। और हमने इससे बोला था तुम्हारे नंबर 150 के आसपास केमिस्ट्री में आएंगे, 147 नंबर इसने मारे केमिस्ट्री में पहले साल में। छोटी मोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसकी मेहनत बहुत खतरनाक थी, बहुत अच्छी मेहनत थी। उनके एक बार शानदार था, 624 टोटल मार्क्स, ठीक, 646 आए, 645 टोटल मार्क्स। और ये लास्ट ईयर भी जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था। और इसके अंदर क्या था और इसके अंदर क्या नहीं था हम बता रहे, फिर उदाहरण मानना, ये इंटेलिजेंट ज्यादा थी, इसके अंदर कंसिस्टेंसी ज्यादा थी। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार बैठना, लगातार पढ़ना, लगातार पागल, इसके अंदर पागलपन ज्यादा था, इसके अंदर कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंसी ज्यादा थी। अभी अभी हमने लाइन बोली थी, आज ही बोली थी, हर टर्म में बोलते ये एग्जाम इंटेलिजेंसी का कम, कंसिस्टेंसी का ज्यादा। क्या बात सही है क्या? जितनी ज्यादा बात अभी हम बताएंगे आपको कि किस तरह से रिविजन करें, क्या हमने आपको बताया, क्या हमने थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करी, ये बताएंगे। प्रियंका गुप्ता, पूजा गुप्ता, हम नाम इंटरचेंज करते हैं, पूजा गुप्ता। My name is Pooja Gupta और अभी मैं JSVM Medical College में हूँ। और केमिस्ट्री सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मेरा केमिस्ट्री आप लोग पता ही होगा कितना एनर्जी रहता है क्लास में, और लाइक और इतना मोटिवेट करते हैं कि मोटिवेशन माइंड से ज्यादा रिक्वायर्ड होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए। देन योर हार्ड वर्क, टैलेंट एंड ऑल ऑफ इट, तो इसमें टैलेंटेड रहने की कोई जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हो जाएगा आराम से, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ा लगता है, तो फिजिक्स क्या है, बाकी हमारे की प्रैक्टिस करो, पीमाइक यूज करो, और टेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यानी सर आप जो पढ़ा रहे हो क्या है, तो अरे हम ही भी अपने जो नेल्स देखते हैं उनकी हालत खराब हो गई थी, फिर सर से बोले सर कैसे होगा, फिर सर बोले शांत रहो, चिल कर, हो जाएगा, सब हो जाता है। सर एक बार पढ़ा दिए, समझ में आ गया, इस बार टेस्ट देते हो, फिजिक्स में
कि हम तब भी बोलते थे और अब भी बोलते हैं। इन लोग को याद होगा कि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम पेपर आउट कराते हैं। याद है ना, हम पढ़ाते नहीं हैं, हम पेपर आउट कराते हैं। दुनिया में रिएक्शन मैकेनिज्म दूसरे टीचरों की देखना, 150 बंदे, मेरी रिएक्शन मैकेनिज्म 70 बंदे, और इस बात की गारंटी के साथ कि इससे बाहर अगर आ गया तो पढ़ाना छोड़ देंगे। तो हम पढ़ाते ही तब भी बोलते थे और अब भी बोल रहे कि हम पढ़ाते नहीं है, हम पेपर आउट कराते। दुनिया 5 कॉपी बनवाएगी, मेरी कितनी कॉपी हुई थी, 2 या 2.5 कॉपी, और सब कुछ उसके अंदर, उसके बाहर कुछ नहीं जाना है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी, देखो कोई चैप्टर पढ़ाया आपको, ये चेक करना है कि एनसीईआरटी खत्म, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लगा लो, अगर निकल रहे हैं तो आपका काम हो गया। अगर एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ऑर्गेनिक आपको पूरी पढ़ा दी, आपने एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन लगा लिए, अगर क्वेश्चन निकल रहे हैं मतलब आपका सब कुछ कंप्लीट है। और अगर से किसी रिपीटर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पहले साल में सिलेक्शन के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। अब एक काम करते हैं, यार मिठाई लाया, मिठाई खिला दे, वरना पूरी हम लेके जाएंगे तो बोलेगा यार वहां का खिलाए। Thank you.